हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 18 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए हम लोग देखते हैं CHSL 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेन वॉज द नबार्ड इस्टेब्लिश। तो नबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 12 जुलाई 1982 को। हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ये आ चुका है और उसके चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार बनवाले। अगर आज ये पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम पीछे भी बता चुके हैं, जो जो लोग मेरे पीछे प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे होंगे वो नबार्ड के बारे में जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच पार्ट? तो ये पार्ट 20 में आता है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि पार्ट से, हर टोटल 24 पार्ट से, और हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई पार्ट पूछा जा रहा है, तो पार्ट को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीला सैमसन रिलेटेड टू विच फॉर्म डांस फॉर्म? तो लीला सैमसन जो है वो भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है। और देखिए, ये क्वेश्चन तो आ गया, मगर इन ये बहुत सारा बुक लिखी है जो बहुत ही अच्छा है। एक बुक इनका रुक्मणी देवी ए लाइफ, ये रुक्मणी देवी जो थी ये भरतनाट्यम डांसर थी ये भी, तो ये बहुत ही अच्छा किताब है, इसको आप लोग देख लीजिए, आगे पूछा जा सकता है। रिदम इन ए जॉय, क्लासिकल डांसर डांस ट्रेडिशन और द जॉय ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये किताब जो है इनका आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसे पूछा जाए क्वेश्चन। व्हाट इज फिजिकल डिफिसिट? आज एक क्वेश्चन पूछा गया, फिजिकल डिफिसिट, इसका आंसर था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। इसका फुल फॉर्म क्या, ये इसका डिफिनेशन क्या होता है? ए गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट प्रपोज्ड रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग फॉर द फाइनेंशियल। एक वर्ष में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी और कितना खर्च करेगी, उसी के बारे में ये फिजिकल डिफिसिट बताता है, उसी को फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चन आया था आज। हु नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कार्ल्स लेनियस। क्योंकि आज SSC का जितना भी क्वेश्चन आया है 18 तारीख का शिफ्ट वन का पेपर, ये ऑलमोस्ट सब रिपीटेड क्वेश्चन आया है पीछे का। तो देखिए, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और ये सीरीज है, ये एक जैसे स्पीसीज, जीन, फैमिली, ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन या तो रीजनिंग में या तो फिर कभी कभी अरेंज करने के लिए इसको दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? देखिए, यहाँ से मेल जाता है, ये इसका एक प्रॉपर वे है मेल भेजने का। जैसे हम लोग टेक्स्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज लिमिट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये होता है 65 साल, और अगर आप अधि रिटायरमेंट एज पूछ रहा है तो आप प्रेसिडेंट का तो नहीं होता है, और सब कमीशन का, जैसे UPSC चेयरमैन का, CAC का चेयरमैन का, ये सब का आप रिटायरमेंट एज का, जो भी प्रेसिडेंट जिसको नियुक्त करता है, जिसको अपॉइंट करता है, उसका रिटायरमेंट एज का लिमिट एक बार आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिसाइल रेंज ऑफ अग्नि 2? देखिए, आज का क्वेश्चन आया है कि अग्नि 2 का मिसाइल रेंज क्या है, तो 2000 से 3000 किलोमीटर है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में जब ये क्वेश्चन पहली बार आज पूछा गया है अग्नि 2 से रिलेटेड, तो ये देखिए अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। तो अग्नि 1 का 700 से 900, अग्नि 2 का 2000 से 3000 किलोमीटर, ये आज पूछा गया 18 तारीख को शिफ्ट 1 में। तो हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट में ये पूछा जाए अग्नि 3 का रेंज क्या है, अग्नि 4 का रेंज क्या है, 5 का, 6 का रेंज क्या है, तो आप इसको पूरे को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। मोहन सोहन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये एक पॉइंट है, ये मोहन गए, ये सोहन गए, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन। देन वॉक 6 किलोमीटर फॉरवर्ड, ये 6 किलोमीटर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। देन मोहन टर्न्स टू मोहन अपने राइट घूमता है एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, एंड वाइल सोहन टर्न्स लेफ्ट, और सोहन अपने लेफ्ट घूमता है, और ये भी 8 किलोमीटर जाता है। तो हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये लोग चले थे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए, आप लोग ये जानते होंगे ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा 6, 8 है, तो
ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। इस तरह यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लीजिए, 6² + 8² का रूट अंडर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसका। मान लीजिए ए ओ है, ठीक है, ए ओ बराबर 36 + 64, रूट अंडर इक्वल टू 110। ये 10 किलोमीटर घर से दूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ए है, और इससे हर दिन क्वेश्चन आता है, और पोटेंशियल एनर्जी से भी हर दिन आता है, काइनेटिक एनर्जी से हर दिन आता है। इससे रिलेटेड हम हर एक वीडियो में हर दिन क्वेश्चन आया, और हर दिन डिस्कशन हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्पीड को वी को क्या कर दे रहा है, हाफ कर दे रहा है। तो हाफ एम वी को हाफ कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, 1/2 m v² / 4। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ये तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। वी को अगर कम, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कि देखिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो नीचे का 4 है ये यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये 4 टाइम ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी का इतना होता है फॉर्मूला। तो ये अगर वी को हम लोग हाफ करते तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम। उसी तरह आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि वी को हम लोग 4 टाइम्स करते हैं और 6 टाइम करते हैं, तो आप इससे देख लीजिए, इससे डेली क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया है, ए सी ई जी डी एफ जी एच, इसके बाद क्या होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ए के बाद क्या है, डी है, बी सी छोड़ दिया है, सी के बाद डी ई छोड़ दिया है, दो दो छोड़ के बाद क्यू आर एस छोड़ सी। तो आप चेक कर लेना, हर एक के बाद दो दो छोड़ के नेक्स्ट है, ठीक है। जो जो टर्म में हो गया, जैसे ई के बाद एफ छोड़ के जी है, जी के बाद एच है। देखिए इसको बहुत सारे तरीके से किया जाता है, इसको इस तरह भी किया जाता सकता है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, डी ई एफ जी, डी ई एफ यहाँ पर कुछ है। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पा रहा, मगर ये तो आसान क्वेश्चन है। जैसे आप एक एक को छोड़ के या दो दो छोड़ के वहां पर, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको कोई भेजा है, हो सकता है उन्होंने कुछ देख लिया हो। देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, जब आप देखोगे तो एक एक सीक्वेंस में रहेगा वो या तो 2 अंक छोड़ के होगा या 1 अंक छोड़ के होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सीरीज का, ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन भेजा गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वराजगर योजना हैज बिन रिस्ट्रक्चर्ड एट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देखिए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये पूछा क्यों गया, क्योंकि ये पहले जो था ये पुअरेस्ट टू पुअर, मतलब जो सबसे गरीब तबका थे उनके लिए प्रोग्राम था ये, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना मतलब कि कैसे काम वो मिलता था इसमें, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब उसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया, उसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोला गया अब, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे मैं एक चीज़ और देख लीजिए कि ये कब स्कीम कब लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1919 को, देखिए इंडिया में लॉन्च होती है, सबको पता है प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, और लॉन्च 18 साल पहले हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलियन थ्रो से एसोसिएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। व्हेन ए शॉपकीपर गिव ए डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द मार्केट प्राइस, इज प्रॉफिट परसेंट बिकम 20%, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, और ये मार्केट प्राइस हो गया। अगर सीपी को हम लोग 100 मानते हैं तो कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा है, 20, तो ये 20% प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट कितना का दिया, 4% का, तो 4% का अगर हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, छः पच्चीस 30, मतलब ये सॉल्व करने पर मार्केट प्राइस आ गया 125, तो कितने का अंतर है, 25 का। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 25%, ठीक है, आंसर हो गया। फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन। देखिए 1 से 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई है, 4 से 5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई है, 7, इसमें 5 का मल्टीप्लाई है, 7 में 5 का 35, 5 में 4 का 20,
एक में पाँच का पाँच, मगर इसमें पाँच का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होना चाहिए था मगर 65 है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।